स्टूडेंट्स, कार्बन्स कंपाउंड में आज हमारा ये 13th लेक्चर है। इससे पहले हम जो पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस की, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है या सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिपीटेड है। तो पहले हम कुछ एक रूल समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। कुछ रूल्स की बात करेंगे और उसके बाद में मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स, राउंड अबाउट 13 कंपाउंड जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं, मैं इनका नोमेनक्लेचर आपको वन बाय वन समझाती जाऊंगी। तो रूल्स की बात करें तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहला हमारा रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल सेम तरीके से क्या कि हमें एक कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। हम उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है था। अब अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो मेरे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ तो मेरे पास कितने कार्बन आइटम आ गए? यहाँ 6 कार्बन आइटम आ गए अगर मैं स्ट्रेट चेन को लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको, ये मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ आपके लिए, यहाँ अगर मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लिया तो जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन चेन का हिस्सा नहीं बना। इसका मतलब मेरे लिए ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो नहीं है, हम इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। हम किसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे? जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ। 6 कार्बन होने के बाद भी ये लॉन्गेस्ट नहीं है और मैं फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए एक, क्योंकि सिर्फ कार्बन की ही नंबरिंग करनी है, ये नहीं कि हम ऑक्सीजन को नंबरिंग दे देंगे। 1 2 3 4, एक चेन ये बन सकती थी। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आइटम की ये जो चेन आई है हमारे पास, कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप, हम ये 5 कार्बन की है। और 5 कार्बन की है, छोटी है, लेकिन फिर भी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो इसमें कंटेन कर रखा है, इसलिए ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आई। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कहलाएगी, लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। भले ही 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन था वो इंक्लूडेड नहीं था, तो हमने 6 कार्बन वाली चेन को नहीं माना, 5 कार्बन वाली चेन को ही हमने लॉन्गेस्ट मान लिया। एक और बन रही थी 4 कार्बन की, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर 5 कार्बन की है तो हम 5 कार्बन को लेंगे। तो ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो पहला रूल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो दूसरा रूल जो हमने स्टडी किया था, जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में, एल्केन्स में भी, तो उसमें सेकंड रूल क्या कहता था? सेकंड रूल था लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल यानी लोकेशन ऑफ द साइड ग्रुप की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप है शुड बी गिवन लोअर पोजीशन। लोअर नंबरिंग हमें किसे देनी है? जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसे हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसे लोअर पोजीशन पर लाना है। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मान लीजिए मैम साइड चेन भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो फिर हम किसे प्रेफरेंस देंगे? तो जो साइड चेन है हमारे पास, या मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप भी है उस कंपाउंड में, तो साइड चेन से ज्यादा प्रेफरेंस इन मल्टीपल बॉन्ड्स को मिलती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कब प्रेफरेंस ऑर्डर करेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है? फंक्शनल ग्रुप को मिलता है, यानी फंक्शनल ग्रुप को इन सब के होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है और हमारे पास साइड चेन भी है, तो भले ही साइड चेन लार्जर नंबर पे आ रहा हो, फिर भी हमें फंक्शनल ग्रुप को पॉसिबिलिटी के हिसाब से उसे लोअर नंबर पर लाना है। तो सेकेंड रूल भी हमें समझ में आ गया कि हमें अपने फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, लोअर पोजीशन पर लाना है। अब नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं, इसी से रिलेटेड मैं आपको नोमेनक्लेचर अभी बताऊंगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे हैं। थर्ड रूल की अगर हम बात करें, थर्ड रूल क्या कहता है कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है, इन केस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? चेन टर्मिनेटिंग यानी एट द एंड, एट द एंड एक सिरे पर लगा होना। एट द एंड का मतलब है कि वो फंक्शनल ग्रुप जो मान लीजिए ये चेन है मेरे पास, तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब एग्जांपल पे ध्यान दो आप। एग्जांपल है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से जो हमारा एल्डिहाइड है CHO, ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और हम बात करें CONH2 एमाइड ग्रुप की, मैंने आपको बात बताई थी, ये भी क्या है? चेन टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से जो नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल CN ग्रुप है, अगर ये अकेला प्रेजेंट है तो ये भी क्या है? चेन टर्मिनेटिंग है। एस्टर की हम बात करें तो मेरे पास आता है ROR आता है या COR आता है, तो यहां पर ये जो ग्रुप है ये भी क्या है? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये भी हमेशा, अब चेन टर्मिनेटिंग है तो क्या करें, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है या फिर इनकी पहचान क्या है, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेन करता है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसके पास अपना खुद का कार्बन है, उसे हमेशा फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, लेकिन कीटोन के केस में नहीं, क्योंकि कीटोन हमेशा इट इज सैंडविच बिटवीन द एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, हमेशा बीच में आएगा, मिड में आएगा, दोनों तरफ जो है उसके पास कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो ये जो है चेन टर्मिनेटिंग है, ये हमेशा एट द एंड, टॉप पे, बॉटम पे, यहां लगे होते हैं। अब अगर ये ग्रुप हो तो क्या करने हैं? दे आर ऑलवेज गिवन फर्स्ट पोजीशन इन नॉमेनक्लेचर। हमें नंबरिंग ही यहां से करनी है। हमें नंबरिंग कहां से करनी है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है, फर्स्ट पोजीशन देना है। और नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि जब हमने नॉमेनक्लेचर किया, मैंने एल्कीन में भी आपको बताया था, एल्काइन में भी बताया था कि नॉमेनक्लेचर में जहां एल्कीन है उसकी पोजीशन बतानी है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, इन किस पे आ रहा है। इसी तरीके से मुझे फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन बतानी है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताते वक्त अगर मेरे पास चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो मैं इसे निग्लेक्ट कर सकती हूं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है तो इट इज ऑब्वियस कि मैं इसकी पोजीशन को मेंशन ना करूं, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग है। तो पोजीशन लगा भी दोगे, 1 लिख भी दोगे तो भी ठीक है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप बुक्स में पढ़ो कि यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बताई, तो इसका मतलब जरूर वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। अभी नॉमेनक्लेचर में करवाती हूँ, आपको क्लियर होगा। और रूल की बात करें हम, तो अगर मेरे पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे, मोर देन 1 सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप जो रिपीटेड है, एक से ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम डाई का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, पेंटा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिन एक्सेप्शंस की बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ मोनो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। और किन केसेस में डाई, ट्राई, टेट्रा लगाना है? जब सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो कई केसेस में क्या होता है उसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाकी अगर इसके रूल्स की बात हम करते हैं, तो बाकी जो साइड चेन का नॉमेनक्लेचर है या वर्ड रूट है या प्रीफिक्स है, जो भी है वो सारा सेम है। अदर रूल्स आर सेम, rules are same as that of एल्केन। बाकी रूल्स जो हैं जैसे एल्केन्स के केस में हमने किया था कि वर्ड रूट है तो क्या लिखना है, सफिक्स का यूज होगा, प्रीफिक्स का यूज होगा, बाकी सारी चीजें इसमें क्या है सेम यूज की जाएंगी। ये मैंने 4 रूल आपको समझाए हैं। अब इसके बाद हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ये जो कंपाउंड्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं उसका नोमेनक्लेचर देखें अगर हम, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रही हूं। फर्स्ट कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखते हो, फर्स्ट कंपाउंड जो है 2012 एनटीएससी में ये कंपाउंड जो है ये पूछा गया है, ये आ चुका है। एनटीएससी हरियाणा में आया था ये। अब मैंने इस कंपाउंड को देखिए कैसे लिखा है, ये बताने के लिए कि ऐसे कंपाउंड हो तो हमें कैसे लिखना है। CH3 थ्राई COH। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे, CH3 CH3 CH3, भाई थ्राई से तो 3 बार लिख दिया, और COH। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा यहाँ 3 4 5, जबकि मैंने आपको कहा है कार्बन चतुर्भुजाधारी है, कार्बन के 4 हाथ ही बनते हैं, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, और यहाँ कार्बन के सिर्फ 2 हाथ बन रहे हैं, इसका मतलब ये गलत लिखा है मैंने। CH3 थ्राइस तो यानी कार्बन है, इधर OH है, इसको एक्सपेंड करके लिख रहे हो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। जब मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया इसको, यानी इस C के साथ, यहाँ इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच थे और OH था। अब आप ध्यान दो, अब इसमें मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। यहाँ कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने पढ़ा है, मैम ने कहा कि लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, तो वो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे 1 2। नहीं, पॉसिबल लोअर नंबर पे आना चाहिए, मतलब पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। हाँ, उस लॉन्गेस्ट चेन में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही। पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या आई, ये आई। अब यहाँ मैं नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर सकती हूँ, तो मैंने नंबरिंग की 1 2 3। ये हमारे पास आ गया प्रीफिक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर सफिक्स लिखना है। सफिक्स आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में एमीन आइन और सेकेंडरी में हमें क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप विद देयर पोजीशन। तो यहां पे मैं नाम लिखूं इसका तो क्या नाम आएगा, पहले तो हम इसका लिखेंगे सेकेंड पोजीशन पर प्रीफिक्स है 2 मिथाइल, मिथाइल का M कैपिटल है, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, ये तो प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट क्या आएगा हमारे पास, प्रॉप, प्रॉप आ गया वर्ड रूट, और प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, एन, एन के बाद मेरे पास क्या आया, सेकेंड पोजीशन पर ओल है, तो क्या नाम आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ध्यान दो यहां मैंने ई जो है वो हटा दिया है क्योंकि ओ वॉवल है और हम ये रूल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ई आएगा ओ आएगा तो ई को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, देखो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट बिफोर हमने उसकी पोजीशन को मेंशन किया है। क्लियर है ये। सेकेंड कंपाउंड की हम बात करते हैं तो सेकेंड कंपाउंड को आप देखो, सेकेंड कंपाउंड में मैं इसका नोमेनक्लेचर यही अगर बता दूं आपको तो सेकेंड कंपाउंड में क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, मुझे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास आ गई, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे भी ले जा सकते थे तब भी लॉन्गेस्ट चेन रहती, ये वाला कार्बन ही इससे अटैच है। अब बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग तो इधर से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग इधर से हुई तो 1 2 3, इधर से करने पर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने नंबरिंग यहां से की 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास प्रीफिक्स आ गया। अब इसका नाम लिखें अगर हम तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स की पोजीशन 5 मिथाइल प्रीफिक्स आ गया। अब वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है भाई हेक्स, हेक्स लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सिंगल बॉन्ड नहीं इस कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड है, तो इन क्यों नहीं लगाया, एन की बात क्यों कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, यहां हम बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, इन आइन लगता है कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड में, तो यहां पर ये क्या है, हेक्स आ गया। अब एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, हेक्स एन, और थर्ड पोजीशन पर क्या लगा है, ओन लगा है। कीटोन ग्रुप है, पहचान करनी जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, उनको कैसे लिखा जाता है, क्या सफिक्स है, ये सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी हो तो पहले वो देख के फिर आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे। तो क्या नाम आ गया, 5 मिथाइल हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पर कीटोन लगा है तो 3 ओन आ गया, नोमेनक्लेचर हो गया हमारा। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की मैंने आपको बात बताई थी। CHO फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है। कार्बन तो यहाँ पर भी था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, कीटोन जो है वो हमेशा दोनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ होता है। अब यहां से क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो क्या 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहां पर क्या आ गया, ये थर्ड पोजीशन पर मेरे पास क्या आ गया, मिथाइल। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, इसका प्रीफिक्स लिखूंगी 3 मिथाइल। अब 3 मिथाइल आया, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। इलॉन्गेशन हमारे पास यही बन रही थी, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। अब 5 कार्बन है तो क्या आ गया, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कोई दिक्कत नहीं, पेंटेन। और उसके बाद क्या है, अल है। अब पेंटेनल मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर आपने पोजीशन नहीं भी बताई तो वो कंफर्म है, क्योंकि वो चेन टर्मिनेटिंग है तो फर्स्ट ग्रुप पर ही आएगा। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते थे पेंटेन 1 अल। तो ये दोनों ही नॉमेनक्लेचर सही है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे टाइम पर हम 1 को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो चेन टर्मिनेटिंग है और चेन टर्मिनेटिंग क्या है, वो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। क्लियर है वो नॉमेनक्लेचर भी आपको। अब नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो अगर ये 5 कार्बन की चेन लेती हूँ तो मेरा ये कार्बन जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अब यहाँ पर बात आ गई ना कि हम किसे लेके चलेंगे, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है वो अवॉइड हो रहा है उसका कार्बन, तो इसका मतलब मुझे इसे इंक्लूड करना है। दूसरी बात, ये चेन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब मुझे तो स्टार्टिंग ही यहां से करनी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर यही आ रहा है, तो आप इधर भी लेके जा सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो। तो मेरे पास चेन मैंने बना ली, ये मेन चेन आ गई। अब नंबरिंग करेंगे तो ये नाम क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां पर मेरे पास दो तरह के क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं, इथाइल भी है, मिथाइल भी है। रूल याद है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है मुझे, सेकंड पोजीशन पर ही इथाइल है। तो मैंने क्या लिखा, 2 पे इथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, कंटिन्यूशन में नाम, कोई दिक्कत करनी नहीं है। और सेकेंड पोजीशन पर ही मिथाइल आया, कंटिन्यूशन में जाएगा नाम ये। फिर क्या है, यहां स्पेस नहीं, मैं यहां लिख देती हूँ ब्यूटेन, और 1 अल भी चलेगा और ब्यूटेनल भी चलेगा। 2 इथाइल, ये इथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल, मैंने अल्फाबेटिकली पहले इसको लिखा है, ई पहले आता है फिर एम आता है, ब्यूटेनल। ये मेरे पास नोमेनक्लेचर आ गया। क्लियर है बात सभी को। अब नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड में देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन का बन रहा था, लेकिन फिर ये निग्लेक्ट हो जाता। ये क्या है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जहां से ये होगा वहीं से लाइन शुरू होगी, तो यानी मुझे तो इसे कंटेन करना ही है, और इसे कंटेन करते हुए मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, और यहां पर ये मेरे पास आ गया प्रीफिक्स। अब इसके नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो मैं नंबरिंग करूंगी यहां से 1, क्योंकि मैं क्या है, ये चेन टर्मिनेटिंग है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर क्या लगा था, मिथाइल लगा हुआ है। और फिर कितने कार्बन आ रहे हैं, ब्यूट, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और ओइक और एसिड के बीच में आप क्या करोगे, स्पेस छोड़ोगे, तो यहां में भी विजिबल ना हो तो मैंने यहां लिख दिया इसको, ओइक एसिड के बीच में गैप आता है, अदरवाइज कहीं आपको गैप नहीं बनाना है। तो ये आ गया 2 मिथाइल, ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N यानी CN की बात कर रहा है, जिसे हम नाइट्राइल कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि CN जो है अगर इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाता तो ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनता, और इसको जो है प्रेफरेंस कम दी जाती, तो हम क्या लिखते, साइनो लिखते। लेकिन क्योंकि पूरे कंपाउंड में यही एक फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो चेन कौन सी बनी, हमारे पास चेन बनी ये, और सिर्फ कार्बन को ही नंबरिंग करना है, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्बन आ गए मेरे पास। अब ये भी चेन टर्मिनेटिंग है, तो 4 कार्बन का मतलब क्या आया, 4 कार्बन का मतलब मेरे पास आ गया, यहां पर आ गया मेरे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल और ब्यूटेन नाइट्राइल कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ब्यूटेन अब यहाँ एन का ई लगाऊंगी मैं, क्यों लगाऊंगी? क्योंकि नाइट्राइल है, एन है, कोई वॉवल नहीं है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर है? चार कार्बन है इसलिए ब्यूटेन आया। आप ब्यूटेन वन नाइट्राइल भी लिख सकते हो। ये जो है ये इसका नॉमेनक्लेचर है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चार कार्बन इसलिए ब्यूटेन आ गया। ई लगाया है मैंने यहाँ क्योंकि नाइट्राइल में इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ये कोई वॉवल नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, ओ नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पे ई मेंशन किया गया है। क्लियर है बात भी? अब अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर मैं यहाँ लिख दूंगी, वहां स्पेस नहीं है, नंबरिंग में यहाँ कर देती हूँ। एमाइड CONH2, अभी मैंने आपको बताया कि एमाइड भी कैसा है, चेन टर्मिनेटिंग है, तो एमाइड नंबरिंग कहां से होगी? पहले तो हम चेन ढूंढ ले कौन सी है। ये हमारे पास चेन है जो ये वाली, ठीक है, इस पूरे को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे? कार्बन से करेंगे, नाइट्रोजन की नंबरिंग नहीं होगी। तो यहां नंबरिंग मुझे यहीं से करनी है क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग है, नंबरिंग यहां से की, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। फोर्थ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या आया? प्रीफिक्स आया। अब प्रीफिक्स आया तो किस पोजीशन पर है? प्रीफिक्स जो है वो हमारा फोर्थ पोजीशन पर है, तो हमारे पास क्या आ गया? इसका नाम 4 क्लोरो। क्लोरो का सी जो है वो कैपिटल आएगा, 4 क्लोरो, और उसके बाद क्या, कितने कार्बन है? 5 है, पेंटेन, और क्या लिखेंगे इसे? एमाइड। 1 एमाइड भी लिख सकते हो और एमाइड भी लिख सकते हो। तो यहां मैंने क्या किया है, एन का ई डिलीट किया है क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ए है, तो पेंटेन 1 एमाइड भी। अदरवाइज आप इसी की प्रैक्टिस रखना क्योंकि बुक्स में इसी तरीके से मेंशन रहता है, 4 क्लोरोपेंटेनामाइड। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, 8th कंपाउंड। तो हमें गिवन है CH2OH, CH2, CH2OH। अब ये कौन सा आ गया? मैंने आपको कहा था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम डाइट्राई का इस्तेमाल करते हैं। अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो पहले तो हम मेन चेन ढूंढ लेते हैं। यही है, 3 ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी एक पे आ रहा है, इधर से भी एक पे आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब 1 2 3 करने के बाद क्या किया हमने, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? कोई हमारे पास क्या प्रीफिक्स है? इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन आ गया। अब प्रोपेन के बाद क्या आया? 1 पे और 3 पे ओल है, तो 1 और 3, और ओल 2 बार है, फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, तो क्या लगेगा? डाईओल लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? डाईओल। मैं दोबारा बता देती हूँ नंबरिंग की, 1 2 3, 3 का प्रोपेन लिखा। फर्स्ट पे, थर्ड पे क्या लगा है? सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, मैंने पोजीशन बताई कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो यहाँ क्या आ गया? डाईओल आ गया। क्योंकि यहाँ डाई आ चुका है, ओ से पहले डी आ चुका है, तो यहाँ मैं पेंटेन में ई मेंशन करूंगी। ओल होता सिर्फ, तो यहाँ ई हम डिलीट कर देते। क्लियर ये बात? नेक्स्ट कंपाउंड हम देखें, 9th है हमारे पास, ठीक है, तो 9th कंपाउंड क्या है? मैंने इसे ऊपर मेंशन कर दिया था। 9th कंपाउंड है हमारे पास CHO, CH2, 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 CHO, ये कंपाउंड है अपने पास। अब यहां पर क्या किया, सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, ये सारे का सारा लॉन्गेस्ट चेन में आ गया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इधर से भी हो सकती है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो आप, तो मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या आएगा इसका नाम? कितने कार्बन एटम है? 5, क्योंकि कोई प्रीफिक्स यहां लगा नहीं, तो यहां क्या करेंगे? पेंटेन। ई मैंने मेंशन कर दिया है, अभी आपको पता है डाई लगेगा तो ई आएगा यहाँ पर। पेंटेन 1 और 5th पोजीशन पे, 1 5 डाई अल। अल फॉर एल्डिहाइड, CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल किस लिए आ गया? एल्डिहाइड के लिए आ गया। 1st और 5th पोजीशन पर है तो ये नाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास नाम आ गया, 1 5 आ गया। ई क्यों लगाया? क्योंकि अल से पहले डाई वर्ड आ चुका है, तो ये मेरे पास नॉमेनक्लेचर आ गया। अब ये 9th हो गया हमारा। अगर 10th की बात हम करते हैं तो मैं यहीं पर इसको नंबरिंग कर देती हूँ। ये मेरे पास क्या आया? लॉन्गेस्ट चेन आई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है, तो 10th का जो नॉमेनक्लेचर है, 10th का नॉमेनक्लेचर में मेंशन कर रही हूँ, कितने कार्बन एटम है? कार्बन आइटम है हमारे पास 5, तो क्या आएगा पेंटेन। ठीक है पेंटेन। उसके बाद कितने, फर्स्ट पे नहीं सेकंड पे और फोर्थ पे, सेकंड और फोर्थ पे कीटोन ग्रुप है डाइओन, ओन से पहले डाई, इसका मतलब यहां ई लगेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट कंपाउंड अगर आप देखते हो, यहाँ कीटोन ग्रुप था तो हमने ओन लिखा, डाई 2 बार था, हमने पोजीशंस बता दी, कोई यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं था तो हमने नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये कैसा ग्रुप है, एस्टर है। देखो क्या ये सही किया है, नहीं। क्यों, क्योंकि नंबरिंग देखिए अगर आप यहां से काउंट करते हो 1 2 3 तो ऑक्सीजन आ गया बीच में, यानी ये तो टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो गई चेन, तो यानी ये तो आ गई हमारे पास मेन चेन। एस्टर का नॉमेनक्लेचर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि सिंगली बॉन्डेड ओ के साथ जब एल्काइल ग्रुप होता है ये तो पहले लिखा जाता है, तो ये पहले लिखेंगे तो क्या आएगा मिथाइल। क्या आएगा ये, पहले हमने इसको मेंशन कर दिया मिथाइल। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, चेन टर्मिनेटिंग है ना, 1 2 3, अब नंबरिंग यहां से की तो क्या आ गया उसके बाद, इसके बाद आया हमारे पास प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेनोएट। एंडिंग किससे करनी है, ओएट से। नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग है। कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर है। एस्टर में जो सिंगली बॉन्डेड ओ के साथ होता है वो पहले लिखा जाता है, 1 2 3 ये आ गया, O8 आ गया। O8 इज द सफिक्स फॉर एस्टर ग्रुप जो कि स्वीट स्मेलिंग होता है, मैंने आपको बताया था। अब 12th कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसका भी हमारे पास ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां है, इसलिए नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है भाई, सेकेंड पोजीशन पर लगा है मिथाइल, यानी इसमें प्रीफिक्स है, तो हम क्या नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन और 1 अमीन। अब यहां ध्यान देना 1 अमीन लिखना जरूरी है, फर्स्ट पोजीशन बतानी जरूरी है। क्यों बतानी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं पर भी हो सकता था, ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो फर्स्ट पे है, मुझे फर्स्ट लिखना है, पोजीशन जरूर बतानी है, यहां भी हो सकता था। तो इस कंपाउंड में ये नहीं कि हम निग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं होगा, मुझे फर्स्ट पोजीशन बतानी है तो इसमें बतानी पड़ेगी। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखा, ई डिलीट किया क्योंकि यहाँ ए है। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, ईथर है, ये ईथर है। और ईथर जो है ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्रीफिक्स के तौर पे किया जाता है। ईथर आपको ध्यान होगा, ईथर आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि डॉक्टर्स जो हैं, ईथर जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो माइनर सर्जरीज होती हैं उन माइनर सर्जरीज के लिए स्प्रे के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, जो क्योंकि इवोपरेशन होगी, इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग, और कूलिंग होने से जो आपकी स्किन है इट विल बिकम नम, सुन्न हो जाएगी, और फिर वो हल्का सा जो भी स्टिचेस लगाने हैं या कट लगाना है वो कर देते हैं। तो यहाँ ईथर है, ईथर कभी भी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको ध्यान हो मैंने प्रीफिक्स में करवाया था, OCH3 को क्या कहते हैं, मिथॉक्सी, तो यानी ये तो क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा ये मिथॉक्सी, ये आ गया इसका प्रीफिक्स आ गया, ये सफिक्स के तौर पे तो इस्तेमाल होता नहीं, मिथॉक्सी। फिर कितने कार्बन बचे, 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया मिथॉक्सी इथेन। क्या आ जाएगा ये मिथॉक्सी इथेन, यहां पर मिथॉक्सी इथेन, एक लगातार में लिखेंगे इसको हम मिथॉक्सी इथेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या कंफ्यूजन होती है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 OCH3 है, तब तो मैंने क्या किया, इसको मिथॉक्सी ले लिया, ठीक है, यानी जो कम कार्बन वाली है, जो कम कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन को मानना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे किसे, मान लो मैंने इधर लिख दिया OCH3 और यहां लिख दू CH2 CH2 CH3, तो आपको लगे कि मैंने राइट हैंड साइड वाले को ऑक्सी लिखा था, नहीं, आपको जो कम कार्बन वाली चेन है उसको तो ऑक्सी से रिप्रेजेंट करना है, और लॉन्गेस्ट चेन तो आपको पता ही है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथॉक्सी, और साथ में क्या है प्रोपेन, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो इस वीडियो में जितने भी मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप थे, चाहे वो एल्डिहाइड था, चाहे वो एल्कोहल था, चाहे कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, इन सभी से रिलेटेड मैंने नॉमेनक्लेचर आपको 1 by 1 जो है सिखा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए ये तो मोनोफंक्शनल ग्रुप थे, अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाए यानी OH भी आ गया, COH भी आ गया, तो क्या हम ओल और ओइक एसिड दोनों लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसमें हमें करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल ऑर्डर। प्रेफरेंशियल ऑर्डर समझाऊंगी और फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।